हेलो दोस्तों, मैं हूं गौर और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो गौर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले अनबॉक्स अमेजोन की तरफ से आने वाला इस बड़े से बॉक्स की, और क्या है इसके अंदर सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप इस बॉक्स को देख सकते हैं, कितना बड़ा बॉक्स है। और ये मतलब जब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ उसमें, तब से ये पहला इतना बड़ा बॉक्स है जो कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब करते हैं इनको अनबॉक्स। तो ये इतना बड़ा बॉक्स जो है कि मैं जब से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ पहली बार आया है, क्योंकि पैकेजिंग मतलब इसमें जो सामान है वो इतना बड़ा बॉक्स में नहीं आ सकता क्योंकि वो छोटा है। और ये जो बॉक्स है कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉक्स मैंने दे दिया है। अभी बॉक्स के अंदर ये कुछ पेपर है, चलिए इसको हटाते हैं साइड में। अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेपर इन्होंने लिया है, इतना बड़ा बॉक्स है इसके वजह से, क्योंकि सामान जो है काफ़ी छोटा है। और ये पेपर आप देख सकते हैं, रद्दी पेपर देख लीजिए। चलिए इसको अभी फिलहाल रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है डिजिटेक की तरफ से आने वाला DRL 14 रिंग लाइट। नाम से तो 14 इंच का है लेकिन साइज़ में बहुत छोटा है। मैं आपको सब कुछ इसका डिटेल्स बताऊंगा। और ये रहा इसका बिल। चलिए अभी इन सब को करते हैं साइड में। अब बात करते हैं अपने इस रिंग लाइट के बारे में। चलिए अब इसको भी करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमको मिलता है। तो ये रहा रिंग लाइट, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लगभग 10 इंच के आसपास होगा, लेकिन नाम है इसका DRL 14 इंच। और ऑनलाइन अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट भी देखेंगे तो ये दिखाता है कि 14 इंच का है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 10 इंच से छोटा ही लग रहा है, उससे बड़ा नहीं होगा। मैं इसका चलिए मेज़र करके मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली ये कितने इंच का है। और बाकी इसके साथ आता है ये फ़ोन होल्डर, मोबाइल होल्डर, और इसके साथ चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। इसको रखते हैं अभी साइड में। और इसके साथ ये एक आता है इसमें मोबाइल फ़ोन होल्ड करने के लिए। तो ये कैसे लगता है चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये लगेगा। और बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं है, चलिए इसको भी रखते हैं अभी साइड में और इसको निकालते हैं बाहर। तो ये रहा हमारा रिंग लाइट, और ये हम ट्राईपॉड पे यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं, ट्राईपॉड के जो माउंट होता है वहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है इसको हम लगाएंगे यहाँ से, हाँ तो ये इसको ऐसे हम यहाँ से लगा सकते हैं। और बाकी ये कहाँ लगता है चलिए देखते हैं। तो ये शायद यहाँ पर ये फिट हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं कैसे फिट होता है। यहाँ पे शायद इसको पहले खोलना पड़ेगा, उसके बाद शायद ये फिट हो सकता है। हाँ ये फिट तो हो गया, पर अब ये कैसे लगेगा इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इसको भी शायद इसी में लगाना था, चलिए अभी इसको रखते हैं साइड में, बाद में हम इसको लगा के देखेंगे। तो ये है हमारा रिंग लाइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। होल्डर तो होल्डर की क्वालिटी तो ठीक है, होल्डर की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिंग लाइट जो है कि साइज़ जितना बोला गया था उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है।
और बाकी इसमें एक यहाँ पे कंट्रोलर मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे एक ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, और यहाँ पे एक मोड को चेंज करने के लिए जो है कि बटन मिल जाता है। और आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर से यूज कर सकते हैं, यूएसबी है या फिर अपने लैपटॉप में या फिर जहाँ भी आप यूएसबी पोर्ट लगा सकते हैं वहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसकी क्वालिटी देखते हैं। पहले चलिए इसको मेज़र कर लेते हैं कि ये कितने इंच का है। तो ये जो है 12 इंच का है। अगर हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करते हैं तो ये सिर्फ 12 इंच आ रहा है, लेकिन इस पे बॉक्स पे भी बोला गया है कि ये जो है कि 14 इंच का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रहा है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 इंच का मेज़र, मतलब इसमें लिखा गया है कि 14 इंच का है, लेकिन ये है एक्चुअली 12 इंच का। अब चलिए इसकी ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं कि कैसा है और कितना ब्राइटनेस देता है। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं फिलहाल ये एलईडी से रिकॉर्ड हो रहा है जो रूम में लगा है। अब मैं इस रिंग लाइट से भी वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल जो एलईडी है, मेरा एक एलईडी सिर्फ लगा है रूम में, इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा इतना काला टाइप में आ रहा है, लेकिन अभी मैं इस रिंग लाइट को यूज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा वीडियो का क्वालिटी आता है। तो ये जो वीडियो शूट हो रहा है फिलहाल इस रिंग लाइट से हो रहा है, और ये जो रूम का मेरा एक लाइट फिलहाल जल रहा है, तो ऐसा आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा। और बाकी इसमें जो है कि तीन मोड दिए गए, मैं आपको यहाँ पे मोड चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो मोड है प्योर येलो जो मोड है वो है, और इसके बाद ये जो मोड है ये येलो और वाइट का मिक्स है, और ये जो है कि ब्लू और वाइट का मिक्स है। तो बाकी मुझे जो ज़्यादा पसंद आया ये ब्लू और वाइट वाला मोड इसका पसंद आया, क्योंकि इससे वीडियो जो है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बाकी इसका जो ब्राइटनेस है, इस समय ये फुल ब्राइटनेस पे, अगर इसका हम ब्राइटनेस कम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस जो है कि इस समय एकदम कम हो चुका है, मतलब आप समझ सकते हैं सिर्फ मेरा इस समय रूम का लाइट जल रहा है। और बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस अगर बढ़ाते हैं तो ये है इसका फुल ब्राइटनेस, इतना ब्राइटनेस हमको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो रिंग लाइट है एक नॉर्मल यूज के लिए, अगर आपके रूम में दो लाइट लगे हैं एलईडी तो आप इसको यूज कर सकते हैं, वरना अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं इस रिंग लाइट की वजह से मतलब वीडियो शूट कर पाऊंगा बिना किसी लाइट के, तो वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आएगी, क्योंकि इसका इतना ब्राइटनेस नहीं है कि सिर्फ इस रिंग लाइट के लाइट से ही आप अपना वीडियो को शूट कर पाएँ, क्योंकि ये रिंग लाइट छोटा है और इसका ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आपका बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको रिंग लाइट लेना है तो आप डिजिटेक का 18 इंच का रिंग लाइट ले सकते हैं, जो कि 3200 या 3300 के आसपास का पड़ता है, बिना ट्राईपॉड के आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर इसको भी आप लेना चाहें, अगर आपका बजट कम है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो आपके रूम में कम से कम दो लाइट या एक लाइट तो होना ही चाहिए, तब इसका जो क्वालिटी है कुछ सही आएगा। फिलहाल जो मेरा आप वीडियो की क्वालिटी देख रहे हैं, इसमें रूम में एक लाइट लगा है और बाकी इस रिंग लाइट की वजह से इतना ब्राइटनेस है। तो नॉर्मल क्वालिटी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये मुझे पड़ा 899 का, क्योंकि मैंने बिना ट्राईपॉड के इसको लिया, सिर्फ रिंग लाइट। अगर आप ट्राईपॉड के साथ लेते हैं तो आपको 1500 के आसपास का पड़ जाएगा, अगर आप बिना ट्राईपॉड के लेते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसमें फिलहाल जो कैमरा का ट्राईपॉड होता है उसको यूज कर रहा हूँ। फिलहाल तो मेरे पास कैमरा नहीं है, लेकिन मोबाइल होल्डर के लिए मैंने ये ट्राईपॉड खरीदा था, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी डिजिटेक का ट्राईपॉड है। कैसा लगा ये रिंग लाइट वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो बाकी आप वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।